दोस्तों हमारा देश इंडिया और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान दुनिया के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन आखिर क्यों एक साथ आजादी पाने के बावजूद भी पाकिस्तान की हालत आज के समय में एक भिखमंगा देश के तौर पर हो चुकी है। वहाँ की सरकार के पास ना तो देश चलाने का पैसा है और ना ही लोगों के पास खाने का पैसा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश यानी भारत आज एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। हमारा देश विकास के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों को चुनौती दे रहा है। जहाँ एक पाकिस्तान गोली से लेकर गोला तक सभी चीजों के लिए चीन और अपने दूसरे देशों पर आश्रित है, और उसी समय भारत ने ऐसे ऐसे हथियारों का निजात कर दिया है जिसका कार्ड दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और चीन के पास भी मौजूद नहीं है। जहाँ पाकिस्तान बिजली और पानी जैसे चीजों के लिए भी दूसरे देशों पर आश्रित है, वहीं दूसरी तरफ भारत एक छोटी से छोटी भी चीज को अपने देश के अंदर ही बना रहा है और दूसरे देशों को बेचकर मोटी रकम कमा रहा है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं आखिर पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब कैसी हो गई, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। दोस्तों जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत के मुकाबले पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब थी। पाकिस्तान के पास देश चलाने का पैसा नहीं था और उन्होंने देश चलाने के लिए दूसरे देशों से काफी भारी मात्रा में कर्ज लिया, लेकिन पाकिस्तान के गंदे राजनेताओं ने इस पैसे को अपने देश के ऊपर खर्च करने के बजाय अपने ऊपर ही खर्च कर दिया, जिससे कि वह पैसा भी खर्च हो गए और उनके देश की स्थिति वैसी के वैसी बनी रही। पाकिस्तान दूसरे देशों से पैसा लेता रहा और वहां के नेता इन पैसों को अपने जेब में भरते रहे, जिसके कारण पाकिस्तान की स्थिति खराब होती चली गई और आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान के पास इतना कर्ज बन चुका है कि पाकिस्तान उसे चुका नहीं सकता। आज के समय में पूरे पाकिस्तान पर करीब 283 अरब डॉलर का कर्ज हो चुका है, यानी इसे यदि बांटा जाए तो पाकिस्तान के हर व्यक्ति पर करीब 1300 डॉलर का कर्ज हो चुका है। यानी आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में कितनी गहराई में फंस चुका है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कभी इस कर्ज के जाल से निकल पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।